सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार राज्य में है और भारत के लोकतंत्र का विस्तार हुआ है और इस लोकतंत्र के विस्तार को अगले चरण में ले जाने का काम भूपेश बघेल जी ने और कमलनाथ जी ने प्रयास करना चाहिए उनको भी कर उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ओबीसी आरक्षण को दोगुना करना। ये मेरे ख्याल से नौकरी का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र को नीचे तक पहुँचाने का मामला है। दूसरी बात एक से दो मिनट लूंगा क्योंकि भूपेश बघेल जी को सुनना चाहते हैं और मैं अपना सारा समय उनको देना चाहता हूँ। सिर्फ दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जब तुम पॉलिटिक्स में या कई बार अपने जीवन में भी हम सबके जीवन में राष्ट्र के जीवन में भी एक अंधकार होता है, हाथ हाथ नहीं छूटता, समझ नहीं आता कि क्या करें, कुछ नहीं नजर आता है। लगभग राजनीतिक स्थिति में इस तरह का अंधकार इस समय है, इतनी बड़ी जीत भी देखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो ऐसे समय में रोशनी जलाई है भूपेश बघेल जी ने, जो एक दृष्टि दी है एक दिशा मिल सकती है। और अगर कांग्रेस जिसने देश में ओबीसी के आरक्षण की इतनी बड़ी बड़ी बातें की है तो जिनकी मैं 40 साल की बात कर रहा हूँ, आई एस अफसर सर जी के पास गए थे आभार देने के लिए, आई एस अफसर बने, वो समय वो कांग्रेस का समय था, उस समय सीताराम केसरी कल्याण मंत्री तो उसमें हुआ, ओबीसी को शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने का काम ये कांग्रेस के समय में हुआ, अर्जुन सिंह के समय में हुआ। कांग्रेस कभी हिम्मत के साथ ये नहीं कर पाई कि ओबीसी के लिए हमने ये काम किया है, वो लगातार सहमी हुई डरी हुई हम कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कौन नाराज हो जाएगा, तो नाराज कोई नहीं हो जाएगा, वो अपर कास्ट भी नाराज नहीं होगा, इस बात से कुछ होगा कि लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, पूरे साहस के साथ इस काम करने का इस तरह से भूपेश बघेल जी ने किया है। हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और हम सब भूपेश बघेल जी को सुने बहुत बहुत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।